पिछले कई दिनों से अशांत है। इसी बीच सरकारी हिसाब के अनुसार करीब 40 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 2 लोग इस फसाद में घायल हुए हैं। संशोधित नागरिक नियम को इशू बनाकर रण क्षेत्र में राजधानी दिल्ली तब्दील हो चुकी। 2 गोष्ठी के बीच हुए हंगामे में दिल्ली के कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। सरकार के साथ साथ पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ही कई शहरों के लोग फंसे हुए हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन अभी दिल्ली के जो हालात हैं, चाहकर भी वे सुरक्षित नहीं निकल पा रहे। उन्हें डर है कि कहीं एक बार फिर से अराजकता की स्थिति हुई तो ये श्रमिक जाए तो जाए कहाँ। दिल्ली में फंसे कई श्रमिक संगठनों को शुक्रवार को कालका मेल से हावड़ा भेजा गया। हावड़ा उतरते ही इन्हें राहत की सांस मिली। कालका मेल से करीब 13 माइग्रेटरी श्रमिक दिल्ली से कोलकाता आए और ये सभी मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। दिल्ली में क्या हुआ, आप लोगों को डर लग रहा है क्या? बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या कारण से? দিল্লিতে যে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে তাতে আটকে ছিলেন আমাদের বাংলার এই শ্রমিকরা যারা দৈনিক কাজ হিসেবেই ওখানে গেছিলেন। তো ওনারা প্রাণ ভয়েই ছিলেন ওখানে, সেখান থেকে উদ্ধার করে এক প্রকারভাবে ওনাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাই এখন চলছে। এটা আমরা বাংলা সংস্কৃত মঞ্চের পক্ষ থেকে, শুধু যে বাংলা সংস্কৃত মঞ্চই করেছে এরকম নয়, এছাড়াও আরও অনেক সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, এছাড়াও দিল্লিতে যে সমস্ত অ্যাক্টিভিস্টরা আছেন তারাও মানে প্রত্যক্ষভাবে এই ঘটনার সাথে যুক্ত, এই ভালো কাজটির সঙ্গে তারাও যুক্ত, তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই।